इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की, जो कि है नेट इनकम अप्रोच। ये टॉपिक कई बार पूछा जा चुका है नेट के एग्जामिनेशन में। नेट इनकम अप्रोच को प्रपाउंड किया था डेविड डुरंड ने। ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन से रिलेटेड थ्योरी है जो कि रेलिवेंट होती है फर्म की वैल्यू के लिए। तो अलग अलग तरीके से NTA नेट में पूछा जाएगा इस क्वेश्चन को, जैसे कि नेट इनकम अप्रोच को किसने प्रपाउंड किया था, तो आंसर होगा डेविड डुरंड। ये जो थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन से रिलेटेड थ्योरी है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि ये रेलिवेंट है या नहीं है, तो ये रेलिवेंट होता है वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए। तो अब हम इसको समझते हैं कि ये होता क्या है नेट इनकम अप्रोच जो कि डेविड डुरंड ने दिया है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर इसका मतलब होता है कि कितना हम डेट लेंगे और कितना इक्विटी लेंगे। डेट का मतलब होता है उधार का पैसा और इक्विटी का मतलब होता है कंपनी के खुद का पैसा। मार्केट से जब भी कोई कंपनी पैसा लेती है, चाहे वो खुद का पैसा ले रही हो डेट इक्विटी से, या फिर लोन या उधारी का पैसा ले रही हो डिबेंचर्स जैसी चीज़ों से ले रही हो, जिसको हम डेट फाइनेंसिंग कहते हैं, दोनों ही केस में कंपनी की जो वैल्यू होती है उस पर असर पड़ता है। क्योंकि मार्केट से जब भी कोई कंपनी पैसा लेगी तो उससे वैल्यू ऑफ द फर्म पे असर पड़ना ही पड़ना है, ऐसा मानना था डेविड डुरंड का। इनका कहना था कि जो डेट फाइनेंसिंग होती है वो बहुत सस्ती पड़ती है, क्योंकि एक तो उस पर टैक्स पे छूट मिलता है डेट फाइनेंसिंग पे, दूसरा जो डेट में हम जो इंटरेस्ट देते हैं वो इक्विटी में दिए जाने वाले डिविडेंड से काफ़ी कम पड़ता है, इस वजह से भी डेट फाइनेंसिंग सस्ता होता है। तो इनका कहना था कि जितना ज़्यादा कंपनी डेट फाइनेंसिंग करेगी उतना ही ज़्यादा कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट प्राइस जो कंपनी की है वो भी बढ़ेगी। तो इक्विटी के जो प्राइसेस है, मार्केट प्राइस है, शेयर प्राइसेस है कंपनी की, वो बढ़ रही है, वैल्यू ऑफ द फर्म भी बढ़ रही है। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि फर्म ज़्यादा डेट यूज़ कर रही है, मीन्स उधार का पैसा यूज़ कर रही है, जो कि बहुत सस्ता है इक्विटी के मुकाबले। क्योंकि ये बहुत सस्ता पड़ रहा है तो कंपनी का जो कॉस्ट है कैपिटल पे, मतलब जो पैसा लग रहा है उसके कैपिटल पे, जो खर्च लग रहा है उसके कैपिटल पे, वो कम लग रहा है। तो चूंकि कंपनी का खर्च कम हो जा रहा है डेट फाइनेंसिंग की वजह से, इसलिए डेविड डुरंड जी का ऐसा कहना था कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, जो कि फ़र्क जिससे पड़ता है वैल्यू ऑफ द फर्म पे, अगर हम ज़्यादा इक्विटी यूज़ करेंगे तो कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, उसके मार्केट प्राइसेस भी इक्विटी के बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसका जो खर्च है कैपिटल पे, वो कम हो जाता है। इस थ्योरी में इन्होंने बहुत सारे एजम्पशंस लिए थे। पहला एजम्पशन ये था कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कम होता है इक्विटी से, तो इक्विटी के कॉस्ट से कम होता है डेट का कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि जो उधार का पैसा होता है उस पर खर्च कम होता है। पहली वजह यह है कि टैक्स में छूट मिलता है, दूसरी वजह यह है कि ये सस्ता भी पड़ता है इक्विटी से, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है तो डिविडेंड भी ज़्यादा ही नॉर्मली दिया जाता है, ऐसा इनका मानना था एजम्पशन में। दूसरा, रिस्क परसेप्शन की बात की जा रही है इन्वेस्टर्स की, कि चेंज नहीं होगा, जैसे जैसे डेट यूज़ करेगी कंपनी, रिस्क को लेकर के जो लोगों की सोच है, जो इन्वेस्टर्स हैं, पैसा लगाने वाले लोग हैं, वो अपनी सोच में कोई चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जब कंपनीज़ बहुत ज़्यादा लोन का पैसा लेने लगती है, जिसको हम डेट समझ सकते हैं, जब भी ज़्यादा डेट यूज़ करने लगती है कंपनी, तो लोगों में ये एक थिंकिंग हो जाती है कि ज़रूर कंपनी लॉस में चल रही है, इसीलिए इतना ज़्यादा उधार ले रही है मार्केट से। तो इससे क्या होता है कि कंपनी के शेयर प्राइसेस कम होने लगते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस केस में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो कहने लगते हैं कि उनका डिविडेंड बढ़ाया जाए, क्योंकि उनको रिस्क ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि रिस्क परसेप्शन जो है इन्वेस्टर्स का, वो चेंज नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी तरह का कॉरपोरेट टैक्स या पर्सनल इनकम टैक्स भी नहीं होगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो यही था एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन से रिलेटेड थ्योरी।
उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।